नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये एक विशेष लेशन है जिसमें एक कौशन बरतने की जो बात होती है, जो सतर्क रहने की बात होती है बिगनर्स के लिए शुरुआती दिनों में भी, और कुछ दिन से जो लोग बजा रहे हैं जिनको कुछ कुछ समझदारी है उनके लिए भी है ये वीडियो, पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद ये है कि मैं चूँकि दिल से ये चाहता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग अच्छा बनिए, अच्छा वादक बनिए, तो इस कारण से ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आप सभी पुराने लोगों को पता है कि व्हाट्सएप से भी बहुत सारे लोग क्लास लेते हैं, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए भी हैं मेरे साथ, तो वहाँ वीडियो जो मेरे पास आता है उसमें जो चीज़ मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की चर्चा बाकी जुड़े हुए लोगों के साथ भी होना चाहिए। अभी जो जिस मुद्दा को लेके, जिस बात को लेके मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ, अनायास मैंने एक वीडियो देखा, एक कायदा, अभी जो आप लोग डेमो देख रहे थे ये एक बनारस घराने का लाजवाब का कायदा है हाथ तैयार करने के लिए। पिछले दिनों वीडियो बना के मैंने दिया था, कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले लगभग, मैं ढूंढूंगा, लिंक डाल दूंगा उसमें। बहुत ज़बरदस्त का कायदा है, फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक लोग बजाते हैं मंच परफॉर्मेंस के लिए, बहुत ज़बरदस्त कायदा है। तो एक वीडियो आया जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, मैंने उनका वीडियो देखा और मुझे लगा कि जो गलती ये कर रहे हैं, हालांकि उनको देखने के बाद ये लगा कि संगीत की समझदारी उनको है, और चूंकि वो लहरा के साथ बजा रहे हैं, रिदम में हैं, हाथ प्रॉपर ठीक ठाक जगह पर रहा है, लेकिन जिस बोल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिस हिसाब से फिंगरिंग होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर वे में आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप, आपका गलत स्ट्रक्चर एक बार बन गया तो वो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि वो चीज़, वो बोल, वो कायदा, वो रेला लगी जिस जगह तक पहुंचना चाहिए, जो उसका हायर स्पीड होना चाहिए, जो उसका साउंड इफेक्ट आना चाहिए, वो नहीं आ पा गया। इसलिए मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो पहले आप वो कायदा एक बार, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कायदा है, धा तिरिकिट धागे न धाती, धा तिरिकिट तक, तक तिरिकिट तक, ता तिरिकिट ताके न धाती, धा तिरिकिट तक, तक तिरिकिट तक। निकालने का तरीका क्या है और जो गलती हुई है वो क्या क्या गलती हुई है, ये दोनों चीज़ मैं आपको शुरू में और लास्ट में दोनों बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर वे में धा लगना चाहिए, मैदान में लगना है मैदान में ही लगना है। यहाँ भी अगर आप उंगली लेते हैं धा के लिए, अगर इधर उधर उंगली आपका ज़्यादा, तो वो आपका टाइमिंग लेता है क्योंकि हाइयर स्पीड में बजने का चीज़ है। तो जहाँ आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है हाथ का, जहाँ धा प्रॉपर पड़ रहा है वहीं मारना है, कहीं इस उंगली को इधर उधर नहीं ले जाना है, पहला बात। दूसरा बात, बोल है धा तीर किट, और उसके बाद धा गे न, तो ये प्रॉपर वे में आना चाहिए। ये हाथ जो है डग्गा, जायदे आप अगर स्लाइड करते हैं आगे पीछे तो आपका ये बोल स्पीड नहीं है। इफेक्ट लाने के लिए हल्का सा दबाना जरूर है, धा तीर, हल्का कलाई दबेगा, धा तीर किट, अगर आप ऐसे बजा रहे हैं धा तीर किट ये, तो बहुत रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर आपका टाइमिंग ले लेगा, फिर वो होगा नहीं आपसे स्पीड। तो पहली बात की धा प्रॉपर वे में मारें, इस फिंगर को जायदे इधर उधर नहीं करना है। दूसरा, जहाँ भी धा या गे जो भी लग रहा है, हाथ को जायदे ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो आपका स्पीड नहीं होगा। आगे देखिए क्या है बोल, धा तीर किट धा गे न धा ती, ये ती है, ती अगर ऐसे मारते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो आएगा नहीं। धा तीर किट धा गे न धा ती, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हो सकता है शुरू में कम साउंड करे, लेकिन फिर भी ती इसी उंगली से मारना है, इसको आप जगह पे से मत उठाइए, ये बार बार उठेगा गिरेगा यहाँ वहाँ जाएगा तो वो फिर टाइमिंग ले लेगा आपका, तो फिर स्पीड नहीं होगा। धा तीर किट धा गे न धा ती, उसके बाद क्या है, धा तीर किट तक, पहला तक, और दूसरा तक है तक तीर किट तक, तीन तक है, एक तक मिडल में आता है जो तक आपको पूरे उंगली से मारना है समेट के यहाँ, और बाकी तक का प्रयोग इससे करना है, ये ध्यान रखिए। धा तीर किट धा गे न धा ती, धा तीर किट तक, तक तीर किट तक, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है ता तीर किट ता के न धा ती, धा तीर, मैंने बताया ती यहाँ मारना है, धा में प्रॉपर वे में उंगली जहाँ पर है वो करना है, तक जो तीन तक आ रहा है, पहला तक यहाँ, दूसरा तक यहाँ, तीसरा तक यहाँ लगेगा,
हाथ को ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, यहीं रखना है, यहाँ से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों ओम फिंगर का प्रयोग होना चाहिए। शुरू में अस्थाई में बढ़िया से रियाज कर धा तिर गित धा गे न धा धा तिर गित धक धक तिर गित धक धा तिर गित धा गे न धा धा तिर गित धक धक तिर गित धक। ये प्रॉपर वे में अस्थाई में बढ़िया स्ट्रक्चर में रियाज होने के बाद आप जितना चाहें फास्ट कर सकते हैं। आगे आपको वीडियो देखना है, वो जो गलती हुई है वो क्या क्या हुई है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो वीडियो पहले दो एक सेकंड का है, एक आध दो सेकंड का, वो आप देख लीजिए, आप भी उससे लाभ ले सकते हैं। दूसरा है कि आपको भी अगर लगता है कि हमसे भी कुछ गलती, अगर आप जो आप बजा रहे हैं उसमें अगर कुछ गलती हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा हो सकता है मन में ये बात अखड़ जाए कि गुरुदक्षिणा 1000 भेजना पड़ता है, लेकिन आप अगर सोच के देखेंगे लाइफ टाइम के लिए 1000 गुरुदक्षिणा देने से एक तो छोटा सा मुझे हेल्प मिलता है, दूसरा आपका गुरुदक्षिणा देने का एक कौरम जो होता है नैतिक फर्ज वो पूरा होता है, तीसरा कि आप अगर आप बजाना चाह रहे हैं अच्छा, कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और गलत डायरेक्शन में अगर आपका फिंगर पड़ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका भी वीडियो मैं देखूं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, 1000 रुपया गुरुदक्षिणा मिनिमम है लाइफ टाइम के लिए, तो कभी कभी आपका वीडियो मैं देख के उस पर सजेशन दे दिया करूंगा। आगे वो वीडियो देख लीजिए जिस वीडियो की मैंने चर्चा किया है। लोगों ने देखा, अगर चीज को ठीक कर लिया जाए तो रिदम में आ जाएंगे, और फिर इस बोल को बढ़िया से अस्थाई दुगुन चौगुन करके प्रस्तार बना के बहुत अच्छा बजाया जा सकता है। मैं लिंक डाल दूंगा, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, ये बोल जब अस्थाई दुगुन और त्रिगुन चौगुन लय में कैसे प्रैक्टिस करना है। फिंगर पहले सही जगह पर रखना है, उसके बाद अस्थाई में सही वे में आपका फिंगर पड़ रहा है तो आप चाहें तो इस चौगुन को इससे और स्पीड आप ले जा सकते हैं, अपना रिदम और अपना टेम्पो और बढ़ा के आप रख सकते हैं। जैसे अगर दुगुन यहां रखते हैं हिसाब से फिंगर सही रहेगा तो मजा आएगा, कुछ परेशानी भी नहीं होगी, टेम्पो भी आपका सही रहेगा, रिदम के साथ आप बजा पाएंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि जो लोग लिंक पे नहीं जा पाएंगे या हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, लिंक नहीं डाल दूं, तो ये कायदा का दो प्रस्तार में बता देता हूं, जो चाहते हैं नए लोग प्रैक्टिस करें वो ज़रूर करेंगे। ये सब हाथ तैयार करने का चीज़ है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं सर तिरकिट नहीं ठीक हो रहा है, सर थोड़ा लटपट हो जाता है तिरकिट बजाने में, तो ये सब चीज़ की तैयारी करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए आपको अगर अच्छा वादक बनना चाहते हैं तो। और मैसेज जो मैंने दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग चाहते हैं उनको लगता है कि थोड़ी परेशानी हो रही है, चीज़ सही से नहीं निकल रहा है, तो वीडियो भेज के सलाह मशवरा कर सकते हैं मैं उसके लिए। और दूसरा कि क्लास जो रेगुलर करते हैं मेरे साथ उनका तो खैर उनको सजेशन मिलता ही रहता है,
मैं ये वीडियो उनके लिए पर्सनल बनाने जा रहा था, लेकिन मुझे लगा आप लोग को भी लाभ मिले, उससे फ़ायदा हो आप लोग को भी। तो इसका दो प्रस्ताव मैं मिनिमम बता देता हूँ, कमेंट करेंगे और ज़रूरत होगी और ढेरों प्रस्ताव मैं बता दूंगा इसका। पहला प्रस्ताव ले लीजिए, धा त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट तक तक त्रिकिट तक। पहला पार्ट को रिपीट कर देना है तीन राउंड, धा त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट धागे न धाती, बार बार तीस से मारना है, त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट तक तक त्रिकिट तक, धा त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट धागे न धाती, धा त्रिकिट धागे न बोल में लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख लीजिएगा और अच्छा से निकाल लीजिए। जब ये सब बजता है प्रस्ताव तो बहुत शानदार लगता है। इस हिसाब से एक और प्रस्ताव देख लीजिए, धाती धागे न धाती, धाती सेकेंड पार्ट को रिपीट कर देना है, धाति रिकिट तक तक रिकिट तक, धाति रिकिट तक तक रिकिट तक, धाति रिकिट तक तक, ये तक यहाँ आ रहा है, धाति रिकिट तक तक, ध्यान से ये धाति रिकिट तक तक, धाति रिकिट धागे न धाति, धाति रिकिट तक तक रिकिट तक, धाति रिकिट तक तक रिकिट तक, धाति रिकिट तक तक, धाति रिकिट धागे न धाति, धाति रिकिट तक तक, इस हिसाब से इस ये भी बजेगा तो बहुत शानदार लगेगा। फिर से दादी की दादी ना दादी दादी की दादी की दादी की दादी, इस हिसाब से ये भी बोल शानदार तरीका से बजेगा। कमेंट जरूर करिएगा और मैंने जो कहा है उस मैसेज पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।